राउंड वन में आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो, आपको राउंड टू के लिए आपको कोलकाता ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है? आप झारखंड से है राइट? जी मैम। तो हेलो गाइस, तो जैसे कि आप लोगों ने कॉल रिकॉर्डिंग सुना गाइस, और जैसे कि मेरा अभी सिलेक्शन हो चुका है, और मैं आपको बताऊंगा कि मेरा किस किस तरह से सिलेक्शन हुआ और कितना कॉल आया मुझे, क्या क्या पूछा गया, और डिटेल्स में क्लियर करूंगा गाइस। इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। और गाइस बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को जल्दी मिलती रहे। और मुझे इंस्टा में फॉलो नहीं किया तो जल्दी जाइए इंस्टा में फॉलो कीजिए, ताकि आप लोग को इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिल सके गाइस। जैसे कि गाइस एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, वीडियो अपलोड नहीं ले रहा था, जिसके कारण हम लोग ऑडिशन का वीडियो भेज नहीं पा रहे थे, ठीक है गाइस। तो आप लोगों का कुछ कुछ दिक्कत हो रहा था, तो मेरा भी इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा था, और मैं बिल्कुल मायूस हो गया था, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। तो मैं कैसे करूं, क्या करूं, और मेरा इस तरह का क्वेश्चन आ रहा था मन में, मतलब क्या बोलूंगा मैं आप लोगों को, कि मैं बिल्कुल हार मान गया था कि मेरा ऑडिशन होगा ही नहीं, इस तरह से मैं मान चुका था। जैसे कि मैं गाइस यूट्यूब चैनल बनाया हूँ, तो मेरा बहुत ये पुराना यूट्यूब चैनल है, और मेरे साथ बहुत ऐसे सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं, और वहीं से मुझे खबर मिला कि नंबर वगैरह मिला, और वहां से मुझे एक आशा जगी गाइस कि नहीं हो सकता है, ऑडिशन हो सकता, दे सकते हैं। तो इस तरह से जब सरेवा का टीम का नंबर मिला, तो मैंने सोचा कि हमको वीडियो भेज देना चाहिए गाइस। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये जो ऑडिशन है वो आप लोगों का जुलाई महीना में ही निकल चुका था, और जिसका ऑडिशन बहुत धड़ाधड़ चल रहा था, और उसका अपलोडिंग प्रॉब्लम हो रहा था, वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, और सर्वर डाउन था। इस तरह से क्या हुआ गाइज, मुझे जो था सरेवापा टीम का नंबर मिला, और मैंने क्या किया गाइज, कॉल किया, और कॉल करके पूछा कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो किस तरह से हम लोग वीडियो भेजे। तो इस तरह से मैंने पूछा, तो सर ने बताया कि ठीक है, मैं आपको कॉल बैक करूंगा और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा, आप कैसे किस तरह से करेंगे। और मैंने भी लास्ट डेट भी पूछा, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया तब तक के लिए। और गाइस जैसे कि मुझे नंबर जो मिला था वो मुझे 23 जुलाई को मिला था, और 23 जुलाई को मैंने वीडियो नहीं भेजा था गाइस। इस तरह से मैंने कॉल किया था और उनसे पूछा था, और मेरा नाम पता जो कुछ भी है मैं वहाँ पे दे दिया था, और उसके बाद मुझे कॉल आया, जो मेरा फर्स्ट कॉल है वो मुझे आया गाइस। जो मुझे बोला गया कि आप वीडियो भेज सकते हैं, इसमें व्हाट्सएप नंबर पे आप वीडियो भेज सकते हैं, इसमें हम लोग सिलेक्शन करेंगे आपको। तो इस तरह से मैंने जो है एक वीडियो भेजा गाइस, जो मैं छोड़ दिया, ठीक है, एक वीडियो भेज के एक दो दिन छोड़ दिया। उसके बाद उन लोग से रिप्लाई आया कि आप दूसरा वीडियो छोड़िए। तो इस तरह से मैं कंफर्म करने के लिए गाइस पहला वीडियो भेजा था, उसके बाद मुझे जब बोला गया तब मैं दूसरा वीडियो भेजा। कहीं ना कहीं उन लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए मैंने मुझे बोला कि आप दूसरा वीडियो भेजिए। तो इस तरह से मैंने दूसरा वीडियो भेजा, और जो गाइस मैं पहला वीडियो जो भेजा था उसमें मेरा कराओके के साथ मैंने भेजा था, इसलिए मुझे मतलब बोला गया कि आप लोग आप दूसरा वीडियो भेजिए। तो आप गाइस देख सकते हैं इंस्टाग्राम में मेरा जो वीडियो है वो छोड़ा हुआ है, मुझको बरसात बना लो, वो कराओके के साथ है, वो इंस्टाग्राम में आप लोग देख सकते हैं, वो वीडियो मैंने फर्स्ट सेंड किया था। तो वहाँ पे क्या रिप्लाई आया कि ये कराओके के साथ है, इसे म्यूजिक के साथ है, विदाउट म्यूजिक आपका वॉइस भेजना है। तो इस तरह से मैंने रिकॉर्ड करना चालू किया, तो एक दिन में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं मेरा, और दूसरा दिन में मैंने रिकॉर्ड किया एक गाना और एक गाना भेजा। उसके बाद मुझे बोला गया कि आप दूसरा वीडियो भेजिए, उसके बाद मैंने रिकॉर्ड करके दूसरा वीडियो भेजा। लगभग लगभग 24 तारीख को मैंने जो वीडियो मैं कंप्लीट किया भेज के, उसके बाद गाइज मुझे दूसरा नंबर भी मिला सरेगामापा का, तो मैंने दूसरा नंबर पे भी भेज दिया सब कुछ, डिटेल्स वगैरह जो मेरा वीडियो था वो भी मैंने भेज दिया, और उनको भी मैंने कराओके के साथ ही वीडियो भेजा था, जो आप लोग देख सकते हैं अरमान मलिक का एक गाना है, मेरा इंस्टाग्राम पे आप लोग देख सकते हैं जो मैंने वीडियो सेंड किया हुआ है। तो उनको भी जब मैंने भेजा गाइस, तो वो भी बोले कि आप दूसरा वीडियो भेजिए, इस तरह से नहीं चलेगा। और गाइस मैं आपको बता दूं कि मैंने ईयरफोन में गा के एक वीडियो भेजा, बट वो लोग ने क्या बोला कि आपका ईयरफोन से आप गाए हैं तो वो वीडियो भी आपका नहीं चलेगा, तो वो भी माइक के कैटेगरी में ही आता है, इसलिए मुझे वो वीडियो भी रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने एक ओरिजिनल वीडियो बनाया, उसमें मैं ओनली वॉइस दिया गाइस, उसमें कुछ नहीं था, माइक भी नहीं था, कुछ नहीं था शायद गाइस, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो आपको बता दूं कि गाइस जैसे कि मैंने 24-25 तक लगभग लगभग वीडियो सब कंप्लीट कर लिया था भेज के, उसके बाद गाइस मुझे जो रिप्लाई आया था
वो लगभग आपका 1 या 2 तारीख को उस तरह से कुछ मुझे रिप्लाई आया, मतलब कॉल आया। इस तरह से गाइज मैंने जैसे वीडियो कंप्लीट किया उसके बाद मुझे कॉल आया एक इन्फॉर्मेशन का कि आपका एज क्या है, आपका नाम क्या है, ऑल डिटेल्स जो था, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ, जितना कुछ भी क्वेश्चन था वो सब मुझे मुझसे क्लियर किया गाइज कि आप कहाँ से सीखे हैं या फिर आपका गुरु क्या है, कौन है तो, और आप किस किस ऑडिशन रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किए हैं या फिर किए हैं कि नहीं, ऑल डिटेल्स जो भी कंफ्यूजन था आप लोगों का क्लियर किया। उसके बाद क्या हुआ गाइज, उसके बाद मैंने बताया था गाइज आप लोगों को कि मैंने 2 ऐसे नंबर पे सेंड किया था मेरा वीडियो, उसके बाद और एक नंबर पे कॉल आया और एक नंबर पे भी वही सेम जो मेरा था उसी में उसी वही सब पूछा हमसे कि क्या है क्या नहीं है, ऑल डिटेल्स जो मेरा था वो तो आप लोग पहले ही मैंने एक वीडियो बना के दे दिया था गाइज आप लोग सुने होंगे। उसके बाद गाइज और एक कॉल आया और एक मैम थी, वो मैम ने पूछी कि आप यहाँ ऑडिशन दिए, यहाँ ऑडिशन दिए, जो जो भी मैंने बताया था वो आंसर सब बोल रही थी और मैं हाँ हाँ बोल रहा था। कन्फर्मेशन के लिए एक कॉल आया था, वो मैम सब कन्फर्मेशन ली और मुझे पूछा गया कि आप इंटरेस्टेड हो आने के लिए, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैम मैं आना चाहता हूँ, तो इस तरह से मुझे कॉल आया था। उसके बाद 2 दिन बाद आई होप हाँ गाइज इसी तरह से 2 दिन बाद मुझे कॉल आया, लगभग लगभग 4-5 तारीख को इस तरह से मुझे कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं, शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, आपको कोलकाता आना है ऑडिशन देने के लिए। तो इस तरह से मुझे कॉल किया गया गाइज और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ ताकि आप लोग को भी जानकारी मिले और आप लोग भी इस तरह से ऑडिशन दे सके, आप लोग का भी सिलेक्शन हो सके गाइज। इसलिए मैं आपका मेरा जो पूरा इन्फॉर्मेशन है आप लोग को बता रहा हूँ। इसलिए गाइज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आप जान सकते हैं गाइज कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस तरह से मुझे सिलेक्शन का कॉल आया था गाइज, और अगर भी आपको भी आया था आप लोग भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और मुझे दोबारा कॉल आया कि आप इस तरह से आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते, तो मुझे कंफर्मेशन किया गया और मेरा सिलेक्शन हो गया बोल के भी बोला गया कि आपको बोला गया कि आपको कोई बोला है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है बोल के, तो इस तरह से मुझे बोला गया है। तो इस तरह से मेरा जो सिलेक्शन का कॉल था इस तरह से आया। उसके बाद मुझे बताया गया कि आपका जो आपको जो आना है उसके लिए आप लोग को आपको मेल कर दिया जाएगा या फिर आपको मैसेज करके बता दिया जाएगा एड्रेस वगैरह सब कुछ, और सब कुछ मेरा आ गया है गाइज, अभी मैसेज भी आ गया, सब कुछ आ गया है, मेरा कंफर्मेशन भी हो गया है जाने को। इसलिए गाइज और जब भी मैं जाऊंगा एक ब्लॉग इस चैनल में आ जाएगा गाइज, तो आप लोग इसमें अपडेट रहिएगा और मैं जल्द से जल्द इसमें छोड़ने का कोशिश करूंगा जो ब्लॉग मैं बनाऊंगा वो क्या क्या होता है क्या क्या नहीं, ऑल डिटेल्स आप लोग को सब कुछ दिखाऊंगा गाइज। इसलिए इस चैनल में आप लोग बने रहें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को प्रूफ भी देने वाला हूँ गाइज आप मेरा किस तरह से सिलेक्शन, मतलब मैसेज वगैरह जितना भी ऑल डिटेल्स है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इसमें जुड़े रहिए आप लोग। आई होप गाइज कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी आपका प्रॉब्लम है वो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आप लोग को जल्दी मिलती रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।